तो आज सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक शेयर्स में। तो आज धमाकेदार टेक न्यूज आ रही है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। ते है हमारी पहली न्यूज आ रही है Amazon की तरफ से ही। Amazon तो Amazon भी अब आत्मनिर्भर होने वाला है। मतलब वो जो उसके फायर स्टिक्स और बहुत सारे जो डिवाइसेस उसके आते हैं Amazon Echo, बहुत सारे चीजें वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। इंडिया में चेन्नई में वो अपना प्लांट डालना शुरू कर चुका है। तो जल्द से जल्द उसका इंडिया में भी प्लांट रेडी हो जाएगा और वहाँ पर भी उसके सारे के सारे डिवाइसेस तैयार होंगे और सारा इंडिया में ही तैयार होगा। बहुत कुछ सारे कंपनीज उतर रही है इंडिया में, फैक्ट्रीज डाल रही है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडियंस को, रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। चेन्नई में डाला है ये भी प्लांट इनका और देखते हैं क्या क्या करने वाला है अमेज़न। हम आपको न्यूज देते रहेंगे। हमारी अगली न्यूज आ रही है एंड्रॉइड 12 की तरफ से ही। तो एंड्रॉइड 12 जो कि हमारे स्मार्टफोन एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जल्द से जल्द आने वाला है, तो उसके थोड़े बहुत चीज़ें निकल के आ रही है लीक्स और उसका नाम लीक हुआ है कि वो स्नो कोन उसका नाम होने वाला है एंड्रॉइड 12 का। मतलब आपको पता होगा एंड्रॉइड के 10, 9 ऐसे जो पाई आया है, ऐसे ओरियो, ऐसे बहुत सारे नाम लाता है एंड्रॉइड, तो उसका जो 12 होगा वो होगा स्नो कोन। नाम आया है स्नो और कोन यानी आइस का कोन। चलिए देखते हैं और बहुत सारे फीचर्स भी आ रहे हैं, हम आपको देंगे अगर ज्यादा फीचर्स और इसका एक्सपीरियंस करेंगे और इसका रिव्यू भी हम आपको देंगे। चलिए चलते हैं। आ रही हमारे नथिंग और एंशियन के तरफ से। एंशियन एक एंड्रॉइड जो है एंड्रॉइड को फाउंडर थे, तो ये कंपनी इन्होंने भी अपने स्मार्टफोन्स बहुत सारे लाए थे मगर वो ज़्यादा बिके नहीं, तो इन्होंने 2018 से वो बंद कर दिया था। तो वो अब जो उनका सब कुछ ब्रांड सब कुछ वो नथिंग, आपको हमने बता रखा है कि नथिंग वन प्लस के सीईओ जो थे उनकी एक न्यू ब्रांड है जो नथिंग उनका नाम है, तो उसने खरीद ली है। तो ये सारे ये नथिंग कंपनी जो है इसमें नए फोन लाएंगे, नथिंग बोल के ही रखेंगे या कौन से नाम से रखेंगे देखेंगे क्या नाम लाएंगे। और उनके TWS भी आने वाले ये हैं, पहले वन प्लस के सीईओ थे ये। हाँ। इनका खुद इंडिपेंडेंट अब ब्रांड है, ये खुद खरीद चुके हैं, दूसरे कंपनी को अडॉप्ट कर रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या लाएंगे ये स्मार्टफोन। और TWS भी इनके जल्द से जल्द आने वाले हैं, मतलब एयरपॉड्स ट्रूली वायरलेस हेडफोन देखेंगे और स्मार्टफोन में, मतलब और ये इंडिया में भी लॉन्च होगा क्योंकि इंडियन में भी इंडिया में ज्यादा ये डिमांड है मोबाइल फोन्स का, तो इसलिए ये भी इंडिया में भी आएगा। वेटिंग में हमारे Realme के तरफ से, तो Realme का एक नया एयरपोर्ट आने वाला है जिसका नाम होगा Realme Buds Air 2। तो ये एयरपोर्ट आने वाला है, इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा धमाकेदार फीचर्स आपको इसमें देखने मिलने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा नए फीचर्स आपको देखने मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ नार्जो 30 सीरीज की भी आने वाली है, 30 सीरीज भी आने वाली है, इसके साथ ही साथ आएगी क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन निकल चुके हैं, तो दोनों एक ही साथ आएंगे। और इसमें भी दो फोन्स बताए जा रहे हैं, कितने फोन्स होंगे हम देखेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। जल्द से जल्द लॉन्च होने वाले हैं, लॉन्च होने के बाद हम आपको इसकी सारी डिटेल्स भी दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी आ रही है रियलमी के तरफ से। तो रियलमी का जो रेस, ये आपको पता होगा हमने बहुत सारे न्यूज़ में रेस को बताया है, जिसके साथ आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। ये रेस जो है कोड नेम था, तो इसका ओरिजिनल नेम जो एक नई सीरीज होने वाली है उसका सीरीज का नेम बाहर आ चुका है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी ट्वीट की हुई, इसमें आपको इमेज दिख रही होगी एक निसान की GTR कार है, तो इसका जो नेम है वो है GT। तो ये GT के नाम से सारे फ्लैगशिप फोन्स नए आने वाले हैं Realme की तरफ से। जो इनका पहला फोन होगा जो रेस कोड नेम के साथ था
तो देखते हैं इसका नाम क्या होगा, GT1 या फिर GT Note 1, देखते हैं क्या होगा। और इसमें आपको ये तो कंफर्म्ड है कि स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर आने वाला है और इसमें GT सीरीज में बहुत ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स आने वाले हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारे Redmi के तरफ से। तो Redmi का Note 10 सीरीज उसका कंफर्म डेट निकल चुका है, मार्च 4th को इसकी 10 सीरीज आने वाली है, नोट 10 सीरीज। और हमने इसमें पहले ही बता रखा है कि इसमें चार वेरिएंट्स होने वाले हैं, एक आपको नोट 10 4G, नोट 10 5G और नोट 10 प्रो 4G, नोट 10 प्रो 5G। आपको दो 4G फोन्स, दो 5G फोन्स यहाँ पर आपको देखने मिलने वाले हैं, टोटल चार फोन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं 4th मार्च को। और देखते हैं क्या ये नाइन जो नोट 9 के साथ किया था, बहुत सारे नोट 9 IS प्रो पावर मैक्स बहुत सारे फोन्स आए थे, वैसा नोट 10 सीरीज के साथ करता है या फिर चार फोन ही लाने वाला है। देखते हैं, फिलहाल के लिए चार फोन्स आ रहे हैं, बाद में देखते हैं क्या और लाएगा या फिर इधर ही चार फोन्स को रखेगा। तो आज के टेक्नो में बस इतना, वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर से बताना आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी और कौन सी टेक्निक यूजफुल लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब